बिंडोई नाम के भूत का ख्याल मन से जा ही नहीं रहा था। रात के लगभग 4 बजे थे। मैं अभी भी रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करके बैठा हुआ था और नयन की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई थी। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। अब तक हमारे सफर के दौरान हम लगभग 6 प्रकार के भूतों से सामना कर चुके थे, लेकिन लंबे समय के बाद हम थोड़ा अंदर से खुश महसूस कर रहे थे। तभी मेरे साथ वाली सीट पर बैठे उस शख्स ने कुछ ऐसी बात बताई जिसको सुनकर हम सबके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। उसने कहा कि ये रोड उसी रेलवे ट्रैक पर जाकर मिलता है जहाँ से हमारा सामना इससे पहले एक भूत से हुआ था। इसका एक ही मतलब था कि हमारा सामना दोबारा उस भूत से होने वाला था। मैंने हमारी गाड़ी स्टार्ट की और हमारे आगे के सफर के लिए निकल गए। मैं अभी भी गाड़ी चलाते चलाते रास्ते किनारे मौजूद झाड़ियों की तरफ देखे जा रहा था। ना चाहते हुए भी रह रहकर वो बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। किसी भी पल वो रेलवे ट्रैक हमारे सामने आने वाला था और आखिरकार वो रेलवे ट्रैक आ गया। मेरे पास बैठे शख्स ने गाड़ी और थोड़ा धीरे चलाने को कहा। मैंने रास्ते के बाई तरफ देखा। घने अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मैंने अपनी गाड़ी उसी किनारे पार्क की। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस भूत को दोबारा देखने की इच्छा हो रही थी। मैंने मेरी टॉर्च ली और नीचे उतर गया। शायद पिछली बार जो बिंडोई नाम के भूत का अनुभव हमें मिला था वो मेरा मन असली मानने को तैयार नहीं था, और अभी उसी की पड़ताल करने के लिए मैं एक तरह के नरक में जाने वाला था। मेरे साथ वो अजनबी आदमी और विशाल दोनों ही गाड़ी से उतर गए थे। हमने पास वाली ही झाड़ियों में टॉर्च मारी। जितना दूर हो सके हम देखने की कोशिश कर रहे थे और तब जाकर हमें वो रेलवे ट्रैक आखिरकार दिखाई दिया। तभी हमारे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था। 5-10 मिनट वहाँ पर रुकने के बाद हमने वापस जाने का तय किया। हम वहाँ से जाते तभी अचानक उन झाड़ियों में तेजी से हलचल होने लगी। उसे देखकर हमारे दिल की धड़कन अचानक तेजी से बढ़ने लगी। वो जो कोई भी था वो तेजी से झाड़ियों से आगे बढ़ने लगा और बाहर आने लगा। लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ थे। अगर कुछ अजीब दिखाई देता तो हम भागने को तैयार थे। जितनी तेजी से वो झाड़ियाँ हिल रही थी उतनी ही तेजी से हमारी धड़कनें बढ़ रही थी। तभी अचानक उन झाड़ियों में से कुछ बाहर आया। उसके 4 पैर थे और उसके सर पर सिंह भी मौजूद थे। वो एक भैंस थी। हमारे मन में ख्याल आया, इतने रात गए ये भैंस यहाँ क्या कर रही है? जब हमने ध्यान से देखा तो उसके ऊपर कुछ था, और जब हमने और ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि उस भैंस के ऊपर जगह जगह पर गहरे जख्म मौजूद थे, और वो भी मामूली नहीं बल्कि उनमें से हड्डियां नजर आ रही थी। तभी उसके पीछे से कुछ और जानवर निकलकर बाहर आए। उनकी हालत तो उस भैंस से भी ज्यादा बुरी थी, और एक जानवर के तो चेहरे की जगह खोपड़ी नजर आ रही थी। वो भी बिना आंख वाली। ये आखिर क्या मामला था? और ऐसी हालत में भी वो जिंदा कैसे था? तभी उस अजनबी आदमी ने कहा, इन्हें ढोरात्मा कहते हैं। ये भूतों का प्रकार आमतौर पर महाराष्ट्र के बाहर होता है। ढोर का मतलब होता है गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के पालतू जानवर। मैंने कहा, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसी हालत में? तभी उस आदमी ने कहा, इसके पीछे भी इंसान ही कारण है।
कुछ जानवर तो रेलवे के नीचे गलती से आ जाते थे, लेकिन कुछ जानवरों को पुराने जमाने में जानबूझकर मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाता था। बहुत से जानवर बीमारियों से ग्रसित रहते थे, उनका पालन पोषण करना उनके मालिक को बहुत ही महंगा पड़ रहा था, और ऐसे में उनके पास इन जानवरों को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सब सुनकर थोड़ा बुरा भी लगा और डर भी लग रहा था। डर के मारे हम हमारी गाड़ी की तरफ निकलने लगे, लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा कि एक नज़र इन जानवरों की आत्माओं पर डाल दी जाए। उनमें से कुछ जानवर मेरी तरफ आशा की नज़रों से देख रहे थे। उन्हें देखने के बाद हम गाड़ी में बैठने के लिए जाने लगे। गाड़ी में देखा तो नयन की तबीयत और भी बिगड़ने लगी थी। नयन को आखिर क्या हुआ था और ये आगे जाकर हमें समझ में आने वाला था? ये जानने के लिए देखना ना भूले हमारा अगला एपिसोड।